वेलकम बैक चिल्ड्रंस टू कंटिन्यू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। टुडे आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाउ कैन वी सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब है, सबसे पहले आज हम लोग ये समझते हैं। तो सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है रिप्लेस करना या रिप्लेसिंग। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज आल्सो नोन एज रिप्लेसिंग मेथड। एक एग्जांपल से ये और क्लियर हो जाएगा। सो टेक एग्जांपल्स, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री। अब इन दोनों इक्वेशंस में से जो भी आपको इजी लगता है उसको ले लीजिए। सपोज आई एम टेकिंग इक्वेशन टू, तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन टू। सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, दिस इज द इक्वेशन टू। सो एक्स विल बी इक्वल टू थ्री प्लस y। जब आप y ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड में, देन इट विल बी x इक्वल टू थ्री प्लस वाई। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन टू। हमें इक्वेशन टू से x का वैल्यू मिल चुका है, इसीलिए x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन वन में। ध्यान रखना है जहाँ से जिस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिली है उसी इक्वेशन में वापस इसे पुट नहीं करना है। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन टू। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन। सो x के प्लेस पे वी कैन पुट थ्री प्लस वाई। सो राइट फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू सेवन। नाउ इन प्लेस ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थ्री वी कैन पुट थ्री प्लस वाई। एक वाई पहले से यहाँ पर है, सो वाई इक्वल टू सेवन। नाउ सी थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू टू वाई इक्वल टू सेवन। नाउ टू वाई इक्वल टू सेवन, थ्री ट्रांसपोज करेंगे तो सेवन माइनस थ्री, फाइनली यू गेट टू वाई इक्वल टू सेवन माइनस थ्री। सो टू वाई इक्वल टू सेवन माइनस थ्री इक्वल टू फोर। सो वाई इक्वल टू फोर, टू ट्रांसपोज करेंगे तो यह मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। सो फोर वाई टू को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा टू। सो वाई इक्वल टू टू। इन दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन एनी ऑफ द इक्वेशन। इट कैन बी पुट आइदर इन इक्वेशन वन और इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री। इन तीनों में से किसी एक जगह पर हम लोग वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट माई सजेशन इज ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ वाई और एक्स इन इक्वेशन थ्री। सो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थ्री। सो व्हाट इज इक्वेशन थ्री? इक्वेशन थ्री इज एक्स इक्वल टू थ्री प्लस वाई, बट इन प्लेस ऑफ वाई नाउ वी कैन पुट टू। सो वाई के प्लेस पे टू पुट कर दीजिए, फाइनली गेट एक्स इक्वल टू फाइव। सो दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे आपने एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू आपको मिल चुका है, एंड अगर आप ग्राफ पेपर पे इन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली ये दोनों स्ट्रेट लाइन फाइव टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, नाउ सी द सेकंड एग्जांपल। यू कैन सी हियर इज टू लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस मैंने पहले से ही लिख दिया है, थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ट्वेल्व, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड 5x प्लस 3y इक्वल टू 19, दिस इज द सेकेंड लीनियर इक्वेशन। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन में से जो भी आपको ईजी लगता है वो आप ले लीजिए। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेशन वन थोड़ा सा ईजी लग रहा है हम लोग को। सो टेक, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन वन।
सो इक्वेशन वन अगर लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 12. नाउ सिंप्लीफाई दिस. सो वी कैन टेक 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y. ट्रांसपोज 2y टू द राइट हैंड साइड. नाउ x इक्वल टू 12 माइनस 2y. x यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज होने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा. सो x इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3. टेक इट एज इक्वेशन 3. सो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, डेराइव कर लिए हैं. नाउ x की वैल्यू हमें कहाँ से मिला है? x की वैल्यू हमको मिला है इक्वेशन 1 से. तो आपको याद होगा, जहाँ से हमें x या y की वैल्यू मिलेगा उसी इक्वेशन पर वापस नहीं पुट करना है. x की वैल्यू अब पुट करना है आपको इक्वेशन 2 में. सो इक्वेशन 2 में यहाँ पर x के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं 12 माइनस 2y बाई 3. सो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 पर लिख लेते हैं 5x प्लस 3y इक्वल टू 19. इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट कर सकते हैं? 5. x के प्लेस पे पुट कर सकते हैं 12 माइनस 2y बाई 3 प्लस 3y पहले से यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 19. नाउ ट्रांसपोज 3y टू द राइट हैंड साइड. 5 12 माइनस 2y बाई 3 इक्वल टू 19 माइनस 3y को हमने ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में ले गए. अब 12 माइनस 2y बाई 3 इंटू 5 इक्वल टू 19 माइनस 3y. अब 3 को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं राइट हैंड साइड में. सो 5 12 माइनस 2y, 3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में. सो 19 माइनस 3y, 5 12 जा 60, 5 2 जा 10y, 3 19 जा, 3 19 जा होगा 57 एंड 3 3 जा 9y. नाउ 57 को ट्रांसपोज करके लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस 10y को ट्रांसपोज करके ले जाइए राइट हैंड साइड में. सो 60 माइनस 57, 57 को हमने ट्रांसपोज कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में. माइनस 10y को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, देन इट विल बी प्लस 10y और पहले से यहाँ पर माइनस 9y है. नाउ 60 माइनस 57 इक्वल टू 3 एंड 10y माइनस 9y इक्वल टू y. इन दिस वे यू गेट द वैल्यू ऑफ y. सो हम यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल चुका है. मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ x या y की वैल्यू जो भी हमको मिलेगा उसको इक्वेशन 3 में पुट करना है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्यू मतलब इक्वेशन 3. सो इक्वेशन 3 में y के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं 3. नाउ x इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3 एंड x इक्वल टू 12 टू y के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं 3 बाई 3. फाइनली x इक्वल टू 12 2 3 जा 6 बाई 3. नाउ यू नो दैट 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 बाई 3 एंड 3 2 जा 6. सो x इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया? x इक्वल टू आ गया 2. इन दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक बार मैं फिर से रिकैप करूँगा. सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको दो इक्वेशन गिवेन होते हैं. इन दोनों इक्वेशंस में जो भी इक्वेशंस आपको इजी लगता है, मुझे यहाँ पर इक्वेशन वन इजी लगा है. तो टेकिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन पहले ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें से एक्स या तो फिर वाई की वैल्यू डिराइव कर लेंगे. और जो भी वैल्यू आप डिराइव करेंगे इसको लिखेंगे इक्वेशन 3. अब
इक्वेशन थ्री में एक्स की वैल्यू आपको कहाँ से मिला है, इक्वेशन वन से मिला है। इसलिए एक्स की वैल्यू वापस इक्वेशन वन में हम नहीं पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन टू में। नाउ इक्वेशन टू में हम एक्स के प्लेस पे 12 - 2y / 3 पुट कर देते हैं, पूरा सिंप्लीफाई करते हैं और फाइनली हमें मिल जाता है एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके भी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। होप बाय दिस टू एग्जांपल्स नाउ दिस मेथड इज़ क्लियर टू यू। यू कैन ट्राई मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अब अपने टेक्स्ट बुक से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए बाय।